cases. But before going to further, I want to request you, please like and subscribe my channel and don't forget to click the bell icon so that you can receive my next videos notifications. तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर को समझने के लिए पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए. ओके फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक विद वंदना. केस, आज का हमारा क्या टॉपिक है? केस. केस मींस कारक. हिंदी में इसको कारक कहते हैं. एंड दे आर ऑफ 8 काइंड्स. इसके काइंड्स कितने होते हैं? 8 होते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न व्हाट इज केस. वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज केस. केस है क्या? ओके, तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स. तो देखिए, विच वर्ड्स, मतलब जो वर्ड टेल अस, हमें बताता है क्या, द रिलेशन, संबंध ऑफ नाउन और प्रोनाउन. ओके, नाउन और प्रोनाउन का विद अनदर वर्ड्स, अन्य शब्दों के साथ, का आर कार केसेस, उनको हम क्या कहते हैं? केस कहते हैं. ठीक, कारक कहते हैं. मतलब वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ एक रिलेशन बताता है, एक संबंध बताता है, तो उन वर्ड्स के साथ या सेंटेंस में जब भी हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं, नाउन है या प्रोनाउन है, अदर वर्ड्स के साथ उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो किस तरह से दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसी रिलेशन को स्टडी करते हैं हम किसके थ्रू? केस के थ्रू, कारक के थ्रू, जो आज का हमारे ये वीडियो का लेक्चर है. तो इतना आपको समझ में आ गया कि कारक वह शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को दूसरे शब्दों के साथ क्या है उसको प्रदर्शित करता है, उसको दिखाता है, शो करता है, वही केस होता है. अगर केस ना हो या हम केस की प्रॉपर स्टडी ना किए हों, तो हम नाउन और प्रोनाउन का एक दूसरे शब्द के साथ, अन्य शब्दों के साथ उनका क्या संबंध है, रिलेशन है, ये हम नहीं जान पाएंगे. तो इसके लिए फॉर दिस वी हैव टू स्टडी अबाउट केसेस. ओके, तो इस वीडियो के लेक्चर में मैं आपको 4 काइंड्स के बारे में बताऊंगी, मतलब केसेस के 4 काइंड्स के बारे में बताऊंगी. तो वन बाय वन पहले हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट केस, नॉमिनेटिव केस. अब नॉमिनेटिव केस से आप समझ रहे हैं, इसको नामित कहते भी हैं, नामित कारक. ओके, और इसका जो सिंबल होता है, हर केस का अपना एक सिंबल होता है, जिसका सिंबल हिंदी में ने होता है. क्या होता है? ने होता है. और कभी कभी यह शब्द में वाक्य में होता भी है, कभी कभी छिपा भी रहता है, इट इज हिडन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम ने किताब पढ़ी. ओके, तो यहाँ राम आ रहा है. ठीक, तो राम ने किताब पढ़ी. ठीक, अब ने इसके बीच में आपका जो है ये नॉमिनेटिव केस को शो कर रहा है. और इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? राम बॉट अ बुक. राम ने, अब राम ये क्या है? नॉमिनेटिव केस. गीता खेलती है. ओके, गीता खेलती है. अब गीता भी आपका एक नाम है, गीता प्लेज. अब ये देखिए, दोनों शब्द वाक्यों में, एक में ने है और एक में ने नहीं है, तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया. मतलब वह केस जो सब्जेक्ट होता है, एज अ सब्जेक्ट जिसको यूज करते हैं, क्योंकि अगर कर्ता नहीं है तो क्रिया तो हो ही नहीं सकती, इसलिए कर्ता को शो करते हैं हम नॉमिनेटिव केस में, जिसमें मैंने आपको बता दिया इसका सिंबल होता है ने होता है. तो बाकी के जो 3 काइंड्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करूंगी. फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में कर्म कारक कहते हैं. मतलब जिसके द्वारा या जिस क्रिया के द्वारा, जिस संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. अब इसका हिंदी में क्या चिन्ह होता है? को. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोहन को मिठाई दी. अब को हिडन भी होता है, को हिडन नहीं भी होता है. हाँ, देखिए, मैंने मोहन को मिठाई दी, तो ये मेरी मिठाई देने का फल किस पर पड़ा? मोहन पर पड़ा. तो मैंने मोहन को मिठाई दी.
अब इंग्लिश में हम बोलेंगे आई गेव स्वीट्स टू मोहन, ओके। तो इस तरह से ये हो गया हमारा को। अब इसमें देखिए नेक्स्ट है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसमें भी पढ़ने का जो और फल है, रिजल्ट है, किस पर आ रहा है? पुस्तक पर आ रहा है, यानी मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पढ़ने का फल जो है पुस्तक पर पढ़ा। अब इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड द बुक। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव केस वो केस होता है जिस पर संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है, मतलब जिस शब्द पर या जिस क्रिया के द्वारा संज्ञा सर्वनाम पर जो फल पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। और उसके बाद को है, उसके साथ को आता है, और कभी कभी नहीं आता है लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, जैसे मोहन को, पुस्तक को। अब इसमें हिडन है को, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि पढ़ने का जो रिजल्ट है या जो फल है वो पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब नेक्स्ट वी कम टू इंस्ट्रूमेंटल केस, इसको हम करण कारक कहते हैं, और इसका चिन्ह जो होता है से होता है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंटल कारक में देखेंगे बच्चे गेंद से खेलते हैं, मैं कलम से लिखती हूँ, मतलब कि जो चीज हमारे काम करने में हमारी हेल्प करती है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल केस कहते हैं, और हिंदी में इसे हम करण कारक कहते हैं, और इसका चिन्ह होता है से। अब देखिए बच्चे गेंद से खेलते हैं, चिल्ड्रेन ओके प्ले विद द बॉल, अब विद का यूज किया, विद का यूज मतलब से। आई राइट विद पेन, ओके। इस तरह से देखा आपने इंस्ट्रूमेंटल केस यानी कारण कारक। तो अब एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, से इसमें जो है आपका हमेशा रहता है, ओके। क्योंकि जब तक से नहीं रहेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किस काम से क्या करें। जैसे सेब काटना है तो सेब हम चाकू से काटते हैं, हमें लिखना है कलम से लिखते हैं, हमें खेलना है गुड़िया से खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं, बैट से खेलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हिडन नहीं रहता है। अब बाकी का जो मैं एक हमारा आज मैं बताने वाली थी उसको नेक्स्ट स्लाइड में। फोर्थ काइंड हमारा है डेटिंग केस यानी संप्रदान, इसमें हम हिंदी में इसको संप्रदान कहते हैं, और उसका जो सिंबल होता है को या के लिए, ओके। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जिस कर्म के द्वारा या अपनी जिस वर्क के द्वारा हम किसी को, जिस वर्क के द्वारा किसी को संतुष्ट करते हैं, किसी को सेटिस्फाइड करते हैं, तो हमारा क्या आता है, वो डेटिव केस में आता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल यह तुम्हारे लिए उपहार है, अब ये उपहार के द्वारा हम किसी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, उसको हैप्पी कर रहे हैं, वी वॉन्ट टू मेक हैप्पी, ओके, उसको हम हैप्पी करना चाहते हैं। तो फिर नेक्स्ट देखिए यह वंदना के लिए किताब है, अब कोई मुझे खुश करना चाहता है, ठीक, बुक्स देकर मुझे सेटिस्फाइड करना चाह रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका जो सिंबल है को या के लिए है, इसको हम संप्रदान कहते हैं, ओके। प्रदान, प्रदान से आप देख रहे हैं देना, प्रदान मीन्स देना, किसी को प्रदान करना। तो जब हम किसी को खुश करेंगे तो उसको कुछ देकर ही तो खुश करेंगे, उसको नॉलेज देकर, उसको पढ़ा करके, उसको एडवाइस देकर या गिफ्ट देकर, किसी भी चीज के द्वारा, तो हम उसको खुश करना चाह रहे हैं। तो संप्रदान, अब यहाँ पर देखिए प्रदान वर्ड आया है हिंदी में, तो प्रदान से हमें पता चला कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, और इसका सिंबल क्या हो गया आप पहले ही जान चुके हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं दिस, या तुम्हारे लिए उपहार है, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। तो इंग्लिश में हम इसके लिए फॉर का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एक वर्ड हमारा फॉर है, ठीक। तो फॉर के द्वारा हम ये बताते हैं, अब यह वंदना के लिए किताब है, तो दिस बुक इज फॉर वंदना, अब यहाँ भी फॉर आ गया। तो इंग्लिश में हम फॉर के द्वारा इन सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, और मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।